बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस होने वाली जॉब्स की डिटेल शेयर करने वाला हूं। इन जॉब्स के लिए मेल एंड फीमेल्स बोथ कैन अप्लाई, और एजुकेशन अगर प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक है तो आप डिफरेंट पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या डिटेल्स हैं फर्दर जान लेते हैं। आपको इश्तिहार की जानिब लेके चलता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनकी वेबसाइट पर आपने आ जाना है और यहाँ से आप ये इस एडवर्टीज़मेंट को हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा जी। पहली जो असामी है वो जूनियर असिस्टेंट की है, 13 स्केल है इस असामी का। और यहाँ पर ये बता दूँ कि इन असामियों के लिए सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनका ताल्लुक सुबह पंजाब से है वही अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो इंटरमीडिएट की होनी चाहिए, यानी आपने FA FSC अगर की है, 12 जमाते पास हैं, इसके साथ साथ कंप्यूटर के हवाले से भी जानते हैं, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल जानते हैं, और तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच में है, यानी 18 कम से कम और 25 साल तक। और इसके अलावा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो 3 हफ्ते का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स भी आपको करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 19 असामियाँ इसकी 19 सीटें हैं, और इन सीटों के अगेंस्ट पंजाब के डोमिसाइल होल्डर ओपन मेरिट पे 16 सीटें हैं, 2 फीमेल की हैं और 1 नॉन मुस्लिम की सीट भी रखी गई है। नेक्स्ट असामी की तरफ बढ़ते हैं जी। स्टाफ कार ड्राइवर की असामी है, 5 स्केल की है, और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स के पास प्राइमरी की सनद है यानी प्राइमरी पास है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है उनके पास, वो अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और 5वीं तक तालीम का होना, इसके साथ साथ एज लिमिट 18 से 30 साल तक रखी गई है स्टाफ कार ड्राइवर की असामी के लिए, और 9 असामियाँ खाली हैं, ठीक है। और ये लोकल बेस पे फिल की जाएंगी, ठीक है। लोकल बेस का मतलब ये होता है कि जो उस डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल होल्डर्स हैं उनको तरजीहन भर्ती किया जाएगा। नेक्स्ट है जनाब, डिस्पैच राइडर की असामी है। डिस्पैच राइडर 5 स्केल की असामी होती है, इसके लिए भी प्राइमरी पास और ड्राइविंग लाइसेंस का होना इसके लिए भी ज़रूरी है। 18 से 30 साल एज लिमिट है और 3 असामियाँ ये भी लोकल बेस पे फिल की जाएंगी। नेक्स्ट है नैब कासिद की, काफ़ी सारी असामियाँ हैं, 2 स्केल होता है नैब कासिद का, प्राइमरी पास अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है और 28 असामियाँ हैं। 28 में से 23 जो हैं वो लोकल बेस पे हैं, 3 फीमेल का कोटा है, 1 नॉन मुस्लिम के लिए और 1 डिसेबल पर्सन की सीट रखी गई है। चौकीदार की 12 असामियाँ हैं, चौकीदार 2 स्केल प्राइमरी पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 25 साल एज लिमिट, 11 लोकल बेस पे हैं असामियाँ जो कि फिल की जानी है, और 1 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए हैं। इन असामियों के लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पे आएंगे, ठीक है। अभी लेके भी आपको चलता हूँ, ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप अपकमिंग ये जो पेज आपके सामने आएगा इस पे होंगे, जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई जब आप कर लेंगे तो वो जो एप्लीकेशन है उसकी आपने प्रिंट निकलवा लेनी है, उसके साथ ये जो एजुकेशनल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी एकेडमिक की जो सनद वगैरह डिग्री वगैरह जिसकी बेस पे आपने अप्लाई किया है, और शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी और 1 अदद रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने अटैच करके इस एप्लीकेशन के साथ भेज देना है PO बॉक्स नंबर 26 GPO लाहौर, ठीक है। 35 दिन के अंदर अंदर लास्ट डेट अप्लाई, अच्छा इन्वेलप के ऊपर आपने नाम भी मेंशन कर देना है जिस असामी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन भी एज़ पर रूल्स आपको दी जा सकती है, एंड डेट ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ये आपने बहुत एहतियात से और सही मेंशन करना है, ठीक है जी। और ये जो कैंडिडेट्स स्टाफ ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डिस्पैच राइडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी अटैच करेंगे, ठीक है।
ऑनलाइन अप्लाई की तरफ आपको लेके चलता हूँ जनाब। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की इस जॉब पोर्टल पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इधर आपको ये जो प्रोविजनल इलेक्शन कमीशन पंजाब ये वाला सेक्शन है, यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रोविजनल इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान के इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके सामने ये तमाम जॉब्स इस तरह आ जाएंगी जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस असामी के लिए, और उसके सामने जॉब डिटेल्स और अप्लाई नो का बटन है। उस असामी से रिलेटेड जानने के लिए, जॉब डिटेल देखने के लिए इस बटन पर क्लिक कर दें। अप्लाई ऑनलाइन के लिए आप अप्लाई नो के इस बटन पर क्लिक कर दें। आखिरी तारीख अप्लाई करने की 21/9/2024 है। अप्लाई नो के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके सामने आपको अकाउंट क्रिएट करने के हवाले से बोला जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया, पहले कभी किसी जॉब में अप्लाई किया है, तो आपका अकाउंट बना होगा। सिंपल CNIC नंबर इंटर करें, पासवर्ड इंटर करें जो आपने रखा था, सिक्योरिटी कोड जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला इंटर करें, और लॉगिन नो के बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाए। लॉगिन होने के बाद डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, पहली दफ़ा आप इस जॉब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जॉब पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं, तो रजिस्टर ऑन न्यू अकाउंट के इस बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके पास सिंपल सा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जिस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नेम, ईमेल आईडी, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, गर्जे की ये तमाम फील्ड्स आपने फिल करनी है, और इंतहाई केयरफुली आपने CNIC नंबर और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और जो डिग्री वगैरह की डिटेल है वो आपने इंतहाई एहतियात से फिल करनी है। एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन के हवाले से। अगर आपकी एज जो है वो पूरी है, विद इन एज लिमिट है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी कोड आपको ये जो नज़र आ रहा है, इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। इस खाने के अंदर ये चेक बॉक्स कर देना है, ये टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट के हवाले से ये चेक बॉक्स है, इसको आपने चेक करके एग्री एंड रजिस्टर नो के बटन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप फर्दर लॉगिन होके अप्लाई कर सकेंगे किसी भी अनाउंस होने वाली जॉब्स की, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स होंगी। तो व्यूअर्स, ये था तरीक़ाकार अप्लाई करने का। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा या कोई और इशू आ रहा है, तो आप उसके लिए हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर है उस पर रब्ता करके हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस ले सकते हैं। हम आपके लिए आप घर बैठकर अप्लाई कर देंगे, मिनिमल से चार्जेस लागू होंगे और वो आपको पे करने पड़ेंगे। राइट, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।